अपने को किसी का ब्लड ग्रुप देखना है, क्या देखना है? उड़ते पतंगों में, अपने को किसी का ब्लड होली ग्रुप वाले देखना है रंगों में, तो वो अपने ब्लड ग्रुप चार झूमेंगे फिर टाइप से दोनों या ए बी और ओ। उड़ते पतंगों में पॉजिटिव वापस तो आ जाया सीने से। का ब्लड ग्रुप होता है, इनमें अपन क्या करते हैं, ये हमारा AB वाला जो है ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, मतलब ये सबसे ले सकता है, क्लियर। और जो ओ वाला होता है ये यूनिवर्सल डोनर होता है, मतलब जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वो सबको दे सकता है, क्लियर, सबको दे सकता है, ये सबसे ले सकता है, ठीक है। मतलब जिसका ब्लड ग्रुप AB है वो सबको दे सकता है, ले सकता है, ये सबको दे सकता है ओ वाला। ए वाला जो है ऐसे ही लेगा, बी वाला बी से लेगा, और है ना, ये इन दोनों को अपने को पता चल गया, ये ऐसे लेगा, ये बी से लेगा, क्लियर हुआ। चलो अब इसके बाद अपन देखेंगे इसका हम प्रैक्टिकल कैसे करेंगे। तो एक चीज और समझना, जैसे मान लो अपने चोट लग गई तो कितने मिनट में ब्लड क्लोट हो जाना चाहिए, क्लियर। तो हम पहले देखेंगे दो चीजें, एक तो नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम, एक होता है नॉर्मल क्लोटिंग टाइम। अपने को पता है क्या तुम लोगों को, यदि क्लोटिंग टाइम आधा घंटे से ज़्यादा हो जाता है तो हीमोफीलिया डिजीज हो जाती है, जो इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया में था। मतलब कि यदि आपका ब्लड कंटिन्यू निकल रहा है, जैसे चोट थोड़ी सी भी चोट लग गई, अब ब्लड यदि कंटिन्यू निकल रहा है ना, तुमने पट्टी लगा दिया, ट्यूब लगा दिया, लेकिन ब्लड निकलना बंद ही नहीं हो रहा, तो डेथ हो जाती है फाइनल। क्योंकि कुछ भी करो, तुमने टेप तक लगा दिया तो भी ब्लड निकल रहा है, यदि ये कंडीशन है तो हमारी क्या होती है ना, हीमोफीलिया डिजीज होती है। अब नॉर्मली क्या होता है, कितने टाइम में ब्लड को क्लोट हो जाना चाहिए और कितने टाइम में ब्लड निकलना बंद हो जाना चाहिए, क्लियर। बंद होना और क्लोट होना दोनों में डिफरेंस है। जैसे चोट लगी, चोट लगने के 1 से 2 मिनट में ब्लीडिंग बंद हो जानी चाहिए, या नॉर्मली अभी आप देखो तो 2 से 3 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। वैसे तो नॉर्मल हमारा ये सही है, 1 से 2 मिनट में ब्लड हमारा क्लोट हो जाना चाहिए। और जो क्लोटिंग टाइम है ये नॉर्मली 4 से 5 मिनट क्लोटिंग टाइम होता है, 4 से 5 मिनट में ये एकदम डाटा 4 से 5 मिनट बंद हो जाना चाहिए। लेकिन अपन इसको चलो अपन 4 to 8 मिनट लेके चलते हैं, 8 मिनट से ज़्यादा नहीं, ये मैक्सिमम है एकदम, ठीक है। वैसे हमारा फिक्स ये सही है। तो हमारा क्लोटिंग टाइम हो गया देखो 4 से 5 मिनट, और ब्लीडिंग टाइम हो गया 1 से 2 मिनट। मतलब हमारे चोट लगी, चोट लगने के 1 से 2 मिनट में क्या हो जाना चाहिए, तुम उस वाले चरण बैठ जाओ, तुमको दिखेगा, है ना। एक जैसे चोट लगी तो 1 से 2 मिनट में ब्लड निकलना बंद हो जाना चाहिए, और फिर क्लोट मतलब समझते हो ना, क्लोट जम जाता है वहां, थक्का थक्का टाइप का बन जाता है, तो वो हमारा होता है क्लोटिंग टाइम, क्लियर। अब हमारे देखो AB पॉजिटिव, AB है ना, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, ये सारी चीजें। अब इनको हम चेक कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक फिंगर लेते हैं, ठीक है, और हम क्या करते हैं, समझना, मैंने फिंगर लिया और इसको निडिल से, मैंने इसको पंच किया, है ना। फिर इसके बाद मैं दो पोर्ट लेता हूँ, एक मैंने पोर्ट ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे साफ हो गया, मैंने एक यहाँ पोर्ट ले लिया, इस पोर्ट में ब्लड डाल दिया, है ना, यहाँ पे मैंने ब्लड ले लिया,
पहले लेंगे दबा के, जैसे एक पोर्ट हुआ, मैंने दबा के एक ड्रॉप यहाँ ब्लड ले लिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो तीन स्लाइड लेंगे, सॉरी दो स्लाइड लेंगे, एक और दो, दो मैं स्लाइड लूंगा, है ना। इन दोनों स्लाइड में हम पहले वाली स्लाइड में यहाँ मार्क करेंगे ए, यहाँ मार्क करेंगे बी, और दूसरे वाले स्लाइड में मार्क करेंगे डी। किसी किसी एंटीजन में डी नहीं लिखा रहता, ए और बी दोनों लिखा रहता है, हम यहाँ मार्क करेंगे डी। अब समझना, फिर हमने क्या किया, एक पेपर लेंगे, एक पेपर लेंगे, पेपर में अपन सर्कल बना देंगे ऐसा, इस सर्कल में छोटे छोटे सर्कल और बना देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, देखो मैंने यहाँ पिंच किया, ए बी डी लिख दिया, मैंने यहाँ पे पिंच किया, पिंच करने के बाद सबसे पहले एक दबा के एक ड्रॉप यहाँ चुआ दिया, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, एक ड्रॉप दबा के एक ड्रॉप यहाँ, एक ड्रॉप यहाँ, एक ड्रॉप यहाँ, तीनों जगह मैंने एक एक ड्रॉप ले लिया, एक ड्रॉप ये ले लिया, एक ड्रॉप ये ले लिया, एक ड्रॉप ये ले लिया, क्लियर। यहाँ तक हम क्या करेंगे, यहाँ तक उंगली दबा के निकाल सकते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, मैंने जो पेपर लिया था इस पेपर में अब इसको छोड़ दिए, अब प्रेशर बिल्कुल नहीं लगाना, क्लियर। अब मैंने इसको ये टच किया, ये टच किया, 15 सेकेंड बाद फिर मैंने इसमें टच किया, फिर 15 सेकेंड बाद इसमें टच किया, फिर 15 सेकेंड बाद इसमें टच किया, फिर 15 इसमें, 15 सेकेंड बाद इसमें, 15 सेकेंड बाद इसमें, 15 सेकेंड बाद इसमें, ठीक है। घड़ी से मिला लेंगे, 15 15 सेकेंड में हम टच करते जाएंगे, क्लियर हुआ तो, ठीक। उसके बाद अब ये हो गया ना, इसको कॉटन से अपन साफ कर लिए, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, उसके बाद ए बी और डी, ए बी और डी में हम क्या करेंगे, ये हमारे हैं एंटीजन, क्या है हमारे, ये हमारे एंटीजन है, तो इनमें हम क्या करेंगे, ये ए एंटीजन है ना, ए लिखा है, इसका एक ड्रॉप ए के ऊपर डाल दिए, एक ड्रॉप, फिर एक ड्रॉप बी में डाल दिए, येलो कलर का बी है, ये ए है, ये बी है ना, और ये डी है, समझना। तो सबसे पहले मैंने ब्लू वाला लिया, ब्लू वाले को हमने ए में डाल दिया, फिर येलो वाले को लिया, येलो वाले को बी में डाल दिया एक ड्रॉप, फिर इस वाले को लिया, इसको हमने डी में डाल दिया, क्लियर हुआ। अब इसको रखने के बाद हम एक स्लाइड लेंगे, और स्लाइड के किसी एक कॉर्नर से यूनि डायरेक्शन में हम इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, यूनि डायरेक्शन में, जैसे ये है ना तो ऐसे ऐसे एक ही डायरेक्शन में इसको, फिर दूसरे कॉर्नर से, क्योंकि इसी से करोगे तो इसका एंटीजन इसमें मिक्स हो जाएगा, तो फिर दूसरे कॉर्नर से इसको, फिर तीसरे कॉर्नर से इसको, मैंने कर दिया। उसके बाद 10 से 15 सेकेंड वेट करेंगे, कितना, 10 से 15 सेकेंड वेट करेंगे। जब हमने 10 से 15 सेकेंड वेट किया, तो वेट करने के बाद हमको ये दिखा कि जो ये वाला ब्लड ग्रुप था, ये वाला जो ब्लड था, ये फट गया, जैसे दही नहीं फट जाती है, दूध में डाल दो तो छाछ छाछ टाइप का हो जाता है, अभी दिखाऊंगा प्रैक्टिकल, तो ये वाला फट गया, तो हमारा ब्लड ग्रुप आ गया ए, ये वाला फट गया तो ब्लड ग्रुप कौन सा आ गया, ए। अब मैंने देखा अभी ए पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं पता चला, ये बी वाला हमने जैसे लिया था वैसी है, कुछ नहीं हुआ। अब डी वाला समझना, जैसे ये फट गया सेम वैसे यदि हमारा ओ वाला भी फट गया, जैसे ए फटा सेम वैसे यदि हमारा ओ वाला भी फटा, तो ये हमारा हो जाएगा ए पॉजिटिव। ये फटा लेकिन ओ वाले में कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसे बी है वैसी रह गया, तो ए नेगेटिव। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव जो होता है वो डिपेंड करता है डी पे, किस पे डिपेंड करता है, यदि फट रहा है मतलब पॉजिटिव, नहीं फट रहा तो नेगेटिव, क्लियर। तो ये हो गया, अब क्या किया हमने, ये इतना हो गया। अब नेक्स्ट स्लाइड उठाएंगे, या इसकी या तो इसका एक कॉर्नर बचा हुआ है, एक दूसरा कॉर्नर उठाएंगे, और इस बाली को प्लेट हाथ में लिए, ठीक है। उसके बाद कितना टाइम, 4 से 5 मिनट, जैसे 4 मिनट टाइम हो जाएगा
तो इस वाले ब्लड में आप ऐसे स्लाइड रखोगे और स्लाइड को धीरे से उठाओगे। यदि स्लाइड को धीरे से उठाने में आपको यहाँ फाइबर दिख रहा है या धागा दिख रहा है, बहुत पतला पतला फाइबर भी दिखेगा, अपने बाल से भी पतले पतला टाइप का फाइबर फाइबर दिखेगा। तो यदि फाइबर दिख रहा है, जब भी फाइबर, जैसे आप स्टार्टिंग में 4 मिनट के पहले देखोगे तो फाइबर नहीं दिखेगा, जैसे जैसे टाइम होता जाएगा तो यदि फाइबर दिख रहा है इसका मतलब है कि हमारा ब्लड क्लोट हो गया, क्योंकि ब्लड क्लोटिंग का लास्ट मैकेनिज्म क्या होता है, फाइब्रिनोजन कन्वर्टिंग फाइब्रिन, फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ब्लड जो RBC रहती है वहाँ पे फंस जाती है। तो यदि कुछ ऐसा होगा तो हमारा क्या, यदि ऐसा 4 मिनट में हो गया तो क्लोटिंग टाइम 4 मिनट, 5 मिनट में हो गया तो 5 मिनट, 6 मिनट में हो गया तो 6 मिनट। तो इस तरह से हम क्लोटिंग टाइम देखेंगे, इस तरह से हम ब्लड ग्रुप देखेंगे और इस तरह से हम ब्लीडिंग टाइम देखेंगे। तो कैसे देखेंगे ब्लीडिंग टाइम, जैसे मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ तक जाके हमारा ब्लड एकदम निकलना बंद हो गया। तो पहला 15 × 2 मिनट, 8 × 2 मिनट, तो 2 मिनट में हमारा हो गया ब्लीडिंग टाइम। तो ये नॉर्मली ये हमारा ये हम ये इससे देखते हैं क्लोटिंग टाइम और इससे देखते हैं ब्लीडिंग टाइम। जब आप पैथोलॉजी में चेक करने जाओगे ना तो पैथोलॉजी वाला आपका सिर्फ ब्लड ग्रुप बताएगा, ब्लीडिंग और क्लोटिंग टाइम नहीं बताता है। ठीक है, तो वो हम सिखा देंगे कैसे बताना है। अब इसका प्रूफ देते हैं, देखते हैं, देखें कौन आएगा, आ जाओ। इन तीनों स्लाइड में हमने क्या किया, देखो ये एक में मैंने मार्क कर दिया यहाँ साइड ए और यहाँ साइड मार्क कर दिया बी, कर दिया ए और बी मार्क्स। इसको मैंने ये उल्टा रख दिया क्योंकि सीधा रखेंगे तो छूट जाएगा। मैंने इस पे मार्क कर दिया यहाँ पे ए बी और यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया डी, इसको भी मैंने ये उल्टा रख दिया। ठीक है, लो इससे सैनिटाइज कर लो। ये बंद है क्या, अरे चालू है। ये वाले को साफ कर लो। हाँ कर दिया। इधर आ जाओ, इधर इधर आ जाओ। अब देखो तुम लोगों को छेदना बताते कैसे छेदते, तुम यार इधर आओ, उधर उल्टा पड़ रहा है ना, अभी अभी करूँगा ना, अभी 3:07 है, 15 मिनट में हो जाएगा, तो 3:15 पे ही स्टार्ट करते हैं। चलो देखो अपन ऐसा करते हैं, ये देखो बस इतनी सी जाएगी, इसमें ये फायदा, वो बाद में क्या देखना पड़ता है कि ज़्यादा ना चली जाए, है ना। अपन इसको ये पकड़े, अब मैंने क्या बोला था, देखो मैं क्या बोला था, पहले मैं इसमें छेदूंगा, इसको छेदने के बाद एक ड्रॉप इसके लिए, फिर एक एक ड्रॉप इन तीनों में, 4 ड्रॉप, फिर इसके बाद बंद करके बिना दबाए यहाँ 15-15 सेकंड में टच करेंगे। क्लियर, तो इसको ऐसे पकड़ना, देखो मतलब कि इस वाले फिंगर से इसको दबाना है, इस वाले फिंगर से इसको दबाना है और इस वाले फिंगर से ऐसे सपोर्ट देना है। देखना ये हमारी खाली, अभी पकड़ना, देख रहे हो कैसे पकड़ रहे हैं, इन दोनों से पकड़ा हूँ, सिर्फ इन दोनों से पकड़ा हूँ, इससे सपोर्ट दे रहा हूँ, इस वाले फिंगर से इसकी उंगली को सपोर्ट दूंगा। अब इसकी उंगली पूरी मेरे बस में, अब इसको कैसे दबाना है, ये जो मसल्स है ना इसका, इसको इस ऐसे ऐसे अंगूठे से मत दबाना, ब्लड नहीं निकलेगा, अंगूठे से दबाओगे तो ब्लड नहीं निकलेगा। ये जो है ना ये मसल्स है, देखना देखना इधर, देखो इधर इधर का पूरा, देखना ये आधा आधा चारों साइड डिवाइड हो गया, तो अपने को यहाँ से प्रेस करना है। मैंने इसको ये प्रेस किया, एक मैंने दे लिया ये,
हाँ गुड, दबा के यहाँ डालो, एक एक बी में डालो, टच कर दो। अपने को तो गजब निकालना आता है भाई। यहां से दबाओगे ना मसल से, तो बहुत सारा ब्लड निकल जाता है। हो गया, अब एक काम करो, डी पे, ये डी पे नहीं ले, हाँ डी पे भी ले। अब ये पेज ले लो, यहाँ से 15-15 सेकेंड में टच करते जाओ, सेकेंड दिखाना, एक बार थोड़ा सा और ले लो इस पे। ठीक है, अब देखो ये हो गया ए बी डी, इसको तो हम बाद में देखेंगे, अभी टाइम देख लिया 3-7 थे। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, ये हमारे एंटी हैं, तो पहले मैंने ए को, किसको, ए को एक ड्रॉप डालेंगे बस। अभी वो मेरे पास, वो उस बार ड्रॉपर था तो अभी सब मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ। हाँ चालू करके 15-15 सेकंड में टच कर दो, तो अब मैं इसको डालूंगा एक ड्रॉप। ठीक है, अभी मेरे पास ड्रॉपर नहीं है, ये वहाँ डी में ना चला जाए बस। अब डालेंगे उसको, बंद कर दो, डी को खोल के दो बी को। ये बी में हो गया, इसको अपन यहाँ रख दिए, डी वाला दो खोल के। बंद हो गया, पॉजिटिव तो पक्का है, पता नहीं कौन सा पॉजिटिव। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, एक दूसरी स्लाइड लेके देखो, इसको मैंने ये यूनि डायरेक्शन में ये घुमा दिया, एक ही डायरेक्शन में ये। अब दूसरे कॉर्नर से मैंने किसको घुमाया, बी को, बी पॉजिटिव है इसका, स्लाइड साफ नहीं थी, अटक ही गया यहाँ। ठीक है, फिर यहाँ से नेक्स्ट कॉर्नर से ए को, क्या नहीं दिया इसमें, थोड़ी दिएगा वो, डोमेस्टिकेशन ऑफ, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट में देता है वो। चलो अब अपन देखते हैं, थोड़ा 1 मिनट रुक जाओ। ये देखो, ये हमारा बी, देखो बी दिख रहा है, बी वाला एकदम फट गया है ना, बी वाला देखो एकदम, ए ए और बी में कंपेयर करो, पीछे भी ट्रांसफर करो, देखो ए और बी को देखो, दोनों क्या कितना डिफरेंस है। है डिफरेंस ए और बी में, डी वाला भी देखो, डी वाला भी एकदम फट गया, सारे आरबीसी अलग अलग हो गई, डी वाला क्या, तो बी वाला फटा और डी वाला फटा, तो हम इसको क्या बोलेंगे,
बी पॉजिटिव, पहले बी फटा तो ब्लड ग्रुप बी हो गया और फिर डी फट गया तो बी पॉजिटिव। अब अपन देखेंगे इसका, देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 4 का 1 मिनट और 7 का और 1 मिनट 45 सेकेंड, तो इसका ब्लीडिंग टाइम हो गया 1 मिनट 45 सेकेंड। चलो क्लोटिंग टाइम अपन यहाँ से चेक करेंगे, सबसे टफ तो यही कहानी है क्लोटिंग टाइम चेक करना। ये अच्छा रिजल्ट देगा नहीं, मेन तो यही रहता है क्लोटिंग देखना। अभी नहीं आया अभी नहीं आया। यहाँ पे फाइबर बनना आ जाएंगे, क्या बनने लगेंगे जब मैं इसको ऐसे टच करके उठा रहा हूँ ना ऐसे, मतलब तुम जल्दी से किसी को खून दोगे नहीं, निकले कितनी मेहनत करना पड़ता है, किसी किसी इतना टाइम नहीं लगता। तुम्हारा ओ नेगेटिव है ना, देखना ओ नेगेटिव ही निकलेगा। अच्छा नहीं इसको नहीं, वो तो मेरे को नहीं, इसका तुम्हारा क्या था, बी पॉजिटिव था ना, हाँ सही है। इसको ले लो अपना कागज, ये खराब वाली भी बैठे नहीं, फिर वो का युद्ध वाला यूज, बताओ ऐसे उसको दबा के निकाल दो। वो निकाल के दिया तो यूज वाली इधर है, पूरा घुसे कैसे कैसे दम पकड़ोगे कैसे, पूरा इतना ताकत से लगाना, मतलब ऐसे ऊपर नहीं, इसको ताकत से नहीं, निडिल मतलब ऐसे अब तुमने उसको, चलो ठीक है करो, हाँ करो करो, नहीं तुमने कर लिया था ना अपना हाथ, हाँ करो। गुड, अभी तो दबा के निकालना, हाँ एक साइड में करना है थोड़ा सा, ये पेज दे दो इसको, उसको नीचे रख दो टेबल में, रख दो टेबल में। आऊं एक एक ड्रॉप डालो तीनों में।
दिया। वो पकड़ो स्लाइड। हाँ खत्म ही हो गया तुम्हारा। हाँ? वो एक जगह जा रहा है इसलिए।